चीक मिसेस इंडिया, चीक मिसेस इंडिया, वी ऑलवेज लाइक ऐसे काम मेरा भाई करता रहता है कुछ ना कुछ टू इंस्पायर पीपल, टू इंस्पायर यंग जनरेशन. सो तो मैं यही कहूँगा कि ये जो अभी जो नया काम मेरे भाई ने स्टार्ट किया है, ये जो नया इवेंट है मिसेज इंडिया स्पार्कल विद फेम, ये इसको पूरा सक्सेस मिले और इसी तरह मेरा भाई खूब तरक्की करे. थैंक यू वीरे, थैंक यू सो मच. अभी मेरा मूवी रिलीज होने वाला सर्जिकल स्ट्राइक जो उरी अटैक्स पे बेस्ड है, जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, होपफुली अगले मंथ उसकी प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी. और एक और अभी एक हिंदी मूवी मेरी फ्लोर पे जा रही है जो जिसका टाइटल है मुंडा साडा बिगड़ गया, तो नेक्स्ट मंथ वो फ्लोर पे जा रही है. बाकी आप सब पंजाबी काफ़ी मूवीज़ हैं जिनका अभी चल रहा है. तो पंजाबी का तो शेर है मेरा भी, पंजाब तो दुआएं तो पंजाब से ही है, बाकी मुंबई में भी अच्छा काम चल रहा है, तो आप सबकी दुआएं हैं. थैंक यू. इंडिया कॉम्पिटिशन कितना इंक्रेजिंग होता है मैरिड वुमेन के लिए और कितना जरूरी होता है करना, हो इस तरह कॉम्पिटिशन करना. जी जो मिसेज का कॉन्टेस्ट है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. मुझे मेरा ये मानना है कि ये जो मिसेज वाला जो कॉन्टेस्ट होता है इसमें जो जिनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है उनको बहुत अच्छा मौका दिया जाता है. तो मुझे लगता है ये करना चाहिए. हमारे फ्रेंड हैं तुषार भाई, तुषार दालीवाल, वो भी ये करवाते हैं मिसेज आर्चेस इंडिया, उन्होंने करवाया, अभी मिसेज इंडिया करवा रहे हैं 2018. सो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये सबके लिए. सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस. होना चाहिए, बिल्कुल उनका हक बनता है क्योंकि शादी के बाद लाइफ रुक नहीं जाती है. सो सबका हक बनता है और फ्रीडम होना चाहिए. और मुझे लगता है कि इसमें सब लोग साथ देते हैं, हस्बैंड भी साथ देते हैं और देना भी चाहिए. और आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटी क्या करना चाहते हैं? आपकी एल्बम क्या कहना चाहेंगे? मेरी एल्बम रिलीज़ हुई है, उसका नाम है इंट्रोवर्ट और एक दिन में 1.5 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं. और आई एम रियली शॉक कि मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी शायद ट्रेंडिंग में भी चल रहा है. तो कल से चैनल पे भी आ जाएगा, जी के सारे चैनल पे आ जाएगा. सो आई होप कि आपने ये गाना देखा होगा, अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाइएगा और इंट्रोवर्ट लिखेगा, मेरा गाना आएगा. गुम सुन रहे गुप चुप रहे बेबी तू, टू इंट्रोवर्ट बेबी, थोड़ा मिलजुल गुल नाले कली होके मिल, वी एक्सट्रोवर्ट बेबी, आजा बेबी तेनू इश्क सिखावा, मैं सिखावा, मैं सिखावा, लव शब वाला पेज पढ़ावा, इश्क दी क्लास दा टॉप करावा, गुम सुन रहे गुप चुप रहे बेबी तू, टू इंट्रोवर्ट बेबी. थैंक यू, थैंक यू. आई थिंक एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, आई गेस, बिकॉज यूजली सिंगल्स के लिए तो होता ही रहता है, आई गेस जब आप यंग होते हो यू नो एक्साइटमेंट रहती है कि कुछ करना है, पेजेंट्री में एंटर करना है, बट शादी के बाद यू नो एज मेनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, ऐसा लगता है कि यू नो सारे डोर्स बंद हो जाते हैं. सो आई गेस बहुत अच्छा ये मौका है उनके लिए जिन्होंने शादी कर ली है टू गेट इन टू द ग्लैमर वर्ल्ड. मैं भी इसी ग्लैमर वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ, आई वॉज ऑल्सो इन पेजेंट्री. सो आई नो कि जब ऐसा मौका मिलता है, रैंप पर चलने का मौका मिलता है, ग्रूमिंग का मौका मिलता है, तो यू नो सेल्फ डेवलपमेंट का मौका मिलता है. सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप आई बिलीव. सो एज ऑफ नाउ आफ्टर PCL, हेलो So as of now, after BCL, I have a lot of shows on TV in the pipeline. So abhi unki baatein chal rahi hai. So wait and watch, you'll have something very exciting coming to you. Aur Priyank ki Panch Beat bhi aane wali hai. Ji, Priyank ki Panch Beat, sab excited hai uske liye. I guess teaser aa gaya hai. And you know, all the very best to him. Maine unko wish kiya hai. And I guess he's going to do very, very well. एक जगह दिया जा रहा है ताकि नारी जो है अपने देश के लिए आगे कुछ काम कर सके. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आज के डेट में नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इसको हर इंसान को समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए. धन्यवाद. बहुत
आप ना पूछे तो अच्छा है, बहुत दुखद दिन है आज। आज उनके बड़े भाई बहुत दूर हैं, आशीष जी के बड़े भाई आज ताई का निधन हो गया। आज बहुत ही दुखद दिन है, एक बेटा अपनी माँ को खो दिया है, उससे बड़ा दुखद दिन में कुछ हो नहीं सकता है। मैं भी शरीक था उस कार्यक्रम में, मैं गया था मंडल में गया था, और मुझे बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी इस कार्यक्रम में आने की, लेकिन बबीता वर्मा जी का शुरू से एक प्यार रहा है, मोहब्बत रहा है, प्रिंस मेरा छोटा भाई जैसा है, और इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। मैं तो आज मेरे लिए तो बहुत दुखद का दिन है कि आज ताई हम लोग के बीच में नहीं। First of all, I want to congratulate because Mrs. India is something, you know, a lot of people have a misconception that, you know, once a lady is married and, you know, family pressure or kids later, तो वो कुछ कर नहीं सकती, you know, they can't look pretty, they can't present themselves. But ये जो Mrs. India platform है, it is like breaking the myths, the breaking the everything, you know, misconceptions that, you know, after, even after marriage, even after having kids, girls can represent them, girls can, you know, express them and, you know, flaunt their bodies and everything. So I'm really happy and I'm really proud that India is growing so much. Thank you. Of course, you know, because अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि यू नो इफ़ अ पर्सन इज़ मेंटेनिंग सो मच और इफ़ अ पर्सन इज़ एनर्जेटिक, यू नो एक फोकस है उसके लाइफ में कि मुझे कुछ आगे करना है इवन आफ्टर मैरिज, इवन आफ्टर हैविंग किड्स। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, दैट्स अ बिग बिग थिंग फॉर देम, यू नो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। These days I'm like I recently did one Gujarati film. I'm doing a lot of stuff in Gujarat, so yeah, I'm busy with that. Thank you.